नमस्कार, एक बार फिर से मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव आप लोग का उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के मानविकी विद्या शाखा के अर्थशास्त्र विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि हर वस्तु या प्राणी में कुछ गुण होते हैं जो समय क्रम के अनुसार बढ़ते रहते हैं। प्रारंभ में ये गुण छिपे रहते हैं, परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये गुण बढ़ते जाते हैं। बढ़ने की यह प्रवृत्ति बालक में भी होती है और समाज में भी। बालक में बढ़ने की प्रवृत्ति का एक निश्चित क्रम होता है, परंतु समाज के बढ़ने का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। ये समय व समाज के स्तर के अनुसार बदलता रहता है। यह समाज के विकास की बात करें तो समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। अब हम चूंकि अर्थशास्त्र के विषय से संबंधित है तो हम जो बढ़ने की चर्चा करेंगे वो आर्थिक विकास से संबंधित होगा। आर्थिक विकास से हमारा तात्पर्य है कि अब जब हम किसी भी मान लीजिए व्यवसाय को स्थापित करते हैं या हम किसी भी व्यवसाय में नौकरी करते हैं तो हमारी जो प्रारंभिक सैलरी होती है उसमें समय के अनुसार कुछ वृद्धि। अब यहाँ जो वृद्धि शब्द आ गया है तो विकास को समझने से पहले हमें वृद्धि को समझना चाहिए। तो आर्थिक वृद्धि व विकास एक दूसरे से संबंधित है, तो पहले वृद्धि को समझना चाहिए। तो वृद्धि जो है वो एक परिमाणात्मक संकल्पना है। इसमें बस हमारे देश की जैसे किसी भी व्यक्ति की आय में बढ़ने को वृद्धि कहते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ने की वृद्धि होती है, यह एक परिमाणात्मक संकल्पना है। इसमें गुणात्मक तत्व तो नहीं होता है, लेकिन जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो इसमें गुणात्मक तत्व तो आ जाता है। जैसा देखते हैं हर वस्तु या प्राणी में कुछ न कुछ मूल प्रवृत्ति या गुण विशेष रूप से होते हैं, पर आरंभ में ये छिपे रहते हैं। अवसर व आय के अनुसार इन गुणों के बाहर आने देने का अवसर मिलता है। ये गुण धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं तथा बढ़ने लगते हैं। आंतरिक गुणों का बाहरी रूप से बढ़ना ही विकास कहलाता है। इस तरह विकास बालक तथा समाज दोनों में ही होता है। बालक के विकास का एक निश्चित क्रम होता है और सभी स्थानों पर समान रूप से होता है, किंतु समाज के विकास का कोई भी एक निश्चित व सार्वभौमिक क्रम नहीं होता है और यह विकास सभी स्थानों पर सभी समाजों में एक साथ या समान रूप से नहीं होता है। हम सभी जानते हैं कि किसी समाज के विकास का महत्व घटक है आर्थिक समृद्धि व आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि का संबंध जैसा कि हमने पहले ही कह दिया है केवल राष्ट्रीय आय व सकल राष्ट्रीय आय के बढ़ने से होता है। यह एक परिमाणात्मक संकल्पना है। इसमें समाज में क्या समानता का स्तर है, उनको क्या रहन सहन का स्तर है, शिक्षा का क्या स्तर है, इन सब चीजों से को शामिल नहीं करते हैं जब हम आर्थिक वृद्धि की बात करते हैं। लेकिन जब हम आते हैं जो हम आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं तो यह एक गुणात्मक संकल्पना है। इसमें प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ उसके रहन सहन का स्तर, उसका सामाजिक वातावरण, उसके खान पान का स्तर, उसके शिक्षा का स्तर, और अगर हम यदि सामूहिक रूप से पूरे समाज की बात करें तो समाज का आधारभूत संरचना सड़क परिवहन बिजली शिक्षा स्वास्थ्य इन सभी चीजों के क्या स्तर है, यदि इन सब चीजों का स्तर भी उठता जाता है तो हम इसे कहते हैं आर्थिक विकास हुआ है। लेकिन यदि हम आर्थिक समृद्धि की बात करें तो हम पाते हैं कि आर्थिक समृद्धि के लिए ये सब संकेतक जरूरी नहीं है। आर्थिक समृद्धि में यदि देश की सकल राष्ट्रीय आय या व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो हम कहते हैं कि यह व्यक्ति या यह देश आर्थिक समृद्धि कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वह व्यक्ति आर्थिक विकास भी या वह समाज आर्थिक विकास या वह देश आर्थिक विकास भी कर रहा है। जैसा कि देखते हैं आर्थिक समृद्धि का संबंध केवल राष्ट्रीय आय या सकल राष्ट्रीय आय के बढ़ने से है, जबकि आर्थिक विकास का संबंध व्यापक है। यह सकल राष्ट्रीय आय के बढ़ने के साथ साथ राज्य और स्थानीय सरकारों का ध्यान नौकरियों भर्ती और रिक्तियों को लाने और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारों नए विचारों और जीवन की समग्र बेहतर गुणवत्ता के माध्यम से हमारे जीवन स्तर में सुधार से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को कुछ समय पूर्व तक समानार्थक शब्दों में प्रयुक्त किया जाता था, परंतु उदाहरण के लिए जैसे क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के मध्य कोई भेद नहीं किया। वर्तमान आर्थिक समृद्धि में आर्थिक साहित्य में आर्थिक विकास को आर्थिक समृद्धि की तुलना में अधिक व्यापक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय संसाधनों की उपलब्धता एवं कुशलता में वृद्धि के द्वारा प्राप्त बढ़ता हुआ उत्पादन से है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आर्थिक समृद्धि में केवल राष्ट्रीय आय और सकल राष्ट्रीय आय के बढ़ने के मानदंड को ही अधिकतया में हम लेते हैं।
जिसके अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद मूल्य प्रतिशत वृद्धि के आधार पर समृद्धि दर का अनुमान लगाया जाता है। परंतु यदि हम आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक वर्तमान आर्थिक साहित्य में आर्थिक विकास को आर्थिक समृद्धि की तुलना में अधिक व्यापक अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। आर्थिक प्रक्रिया आर्थिक विकास की प्रक्रिया में उत्पादन वृद्धि के साथ साथ संसाधनों के आवंटन, उत्पाद वितरण और विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाता है। यह एक गुणात्मक संकल्पना है जिसके अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गुणवत्ता व सामाजिक गुणवत्ता में होने वाले परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाता है। आर्थिक विकास की अवधारणा में केंद्रित तत्व मानव कल्याण होता है, वह विकास होता है। मानव कल्याण से अभिप्राय है कि समाज में समाज के लोगों का जो रहन सहन है उसका स्तर क्या है, क्या उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है, और यदि भोजन मिल रहा है तो क्या उसका गुणवत्ता का स्तर बढ़िया है, उनको आवागमन के लिए रोड सड़क पर्याप्त मात्रा में है, पानी बिजली की पर्याप्त सुविधा है, और उनके शिक्षा का स्तर क्या है, क्या वो ऐसा तो नहीं कि अपने धन की कमी के कारण अपने बच्चों का नामांकन नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर अपने स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त अपनी आय कम होने के कारण नहीं लाभ उठा पा रहे हैं, या वहाँ तक अच्छे अच्छे अस्पतालों तक नहीं जा रहे हैं और अल्प आयु में ही मर जाते हैं। ऐसा इन्हीं बातों का ध्यान आर्थिक विकास में दिया जाता है। उपलब्धता, साक्षरता, विकास, सामाजिक न्याय, नागरिक अधिकारों का संरक्षण जैसे कारण सम्मिलित है। अतः हम स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि परिमाणात्मक वृद्धि के जिन उपकरणों का प्रयोग समृद्धि मापन के लिए किया जाता है उनका यथावत प्रयोग आर्थिक विकास मापन के लिए नहीं किया जाता। आर्थिक विकास के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, मेडिसन के अनुसार आय स्तर को ऊंचा करना सामान्यतः अमीर देशों में आर्थिक वृद्धि व गरीब देशों में आर्थिक विकास कहलाता है। इस प्रकार मेडिसन के अनुसार हम समझ सकते हैं कि आर्थिक, यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। परंतु हर आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि तो शामिल हो सकता है, लेकिन हर आर्थिक समृद्धि में आर्थिक विकास जरूरी नहीं है कि शामिल रहे। आर्थिक विकास के लिए हमें समाज के कल्याण को ध्यान में देना होता है, जबकि आर्थिक समृद्धि के लिए हम केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद को ध्यान में देते हैं। मेडिसन के अनुसार हमें यदि जैसा कि आर्थिक विकास का संबंध स्पेशली विकासशील देशों के लिए होता है, विकसित देशों में हम जानते हैं कि वहां पे सिर्फ एक अमीर वर्ग होता है और एक मध्यम वर्ग होता है, तो वहां गरीब वर्ग नहीं होता है, इसलिए वहां पे सिर्फ राष्ट्र, चूंकि सारी सुविधाएं आधारभूत संरचना ये सब विकसित देशों में उपलब्ध होते हैं, इसलिए वो सिर्फ अपना राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। परंतु जब आर्थिक विकास की बात करते हैं तो इसका संबंध हमें विकासशील देशों में अधिकतर देखने को मिलता है। विकासशील देशों में तीन वर्ग हो जाते हैं, अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग। तो गरीब वर्ग के लिए हम सभी जानते हैं कि उनके पास न पर्याप्त भोजन का की उपलब्धता रहती है, ना शिक्षा की उपलब्धता रहती है, ना ही स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता रहती है। तो इस कारण एक प्रकार से इनके अनुसार विकासशील देशों में जो वृद्धि होती है उसको हम आर्थिक विकास कह सकते हैं। यदि उनमें उनका विकास के क्रम में उनमें मानव कल्याण को भी ध्यान दिया जाता है तब। अब आते हैं किंडल वर्ग और ब्रूस हैरिक के अनुसार, जब किसी देश में खासकर निम्न आय वर्ग के लोगों में भौतिक कल्याण में बढ़ोतरी होती है, जनसाधारण को अशिक्षा, बीमारी व गरीबी से छुटकारा मिल जाता है, अधिकांश लोगों का व्यवसाय कृषि न होकर उद्योग से संबंधित हो जाता है, कार्यकारी जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है, तो हम कह सकते हैं कि देश विशेष में आर्थिक विकास हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास तब होता है जब मान लीजिए कि आप विकासशील या जो भी देश की जनसंख्या है वो कृषि से छोड़कर धीरे धीरे उद्योग की ओर बढ़ने लगती है। अधिकांश जनसंख्या कृषि उद्योग को छोड़कर औद्योगिक क्षेत्र में चली जाती है तो प्रवेश करने लगती है, तो हम कहते हैं कि देश विकास कर रहा है। और अधिकांश लोग घर पे समय बिताने की अपेक्षा, प्रचंड बेरोजगार की अपेक्षा जब जाके कहीं प्रतिदिन नौकरी करने लगते हैं, वेतन उनको मिलने लगता है, तो हम कहते हैं कि विकास हो रहा है। मेयर व बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय दीर्घकाल में बढ़ती है। सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने विकास को धारणी प्रक्रिया के द्वारा निरूपित किया तथा बताया कि वह व्यक्तियों के बहुल समुदाय की आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित है, न कि अल्प समुदाय के हितों से। स्पष्ट होता है कि धारणी प्रक्रिया के द्वारा निरूपित होता है। धारणी प्रक्रिया मतलब कि ऐसा विकास जिसे हम आगे भी दीर्घकालीन जारी रख सके, तो हम कहते हैं कि यह देश विकास कर सकता है जो हमारे सामाजिक वातावरण को न प्रभावित करे, हमारे पर्यावरणीय वातावरण को न प्रभावित करे। यदि इस तरह का विकास हो रहा है तो हम कहते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया कि अल्प विकसित देशों में समस्या केवल समृद्धि की नहीं बल्कि विकास की है। विकास में समृद्धि व परिवर्तन सम्मिलित है, जबकि परिवर्तन से आशा है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक व परिवर्तन सभी प्रकार के परिवर्तनों से है। आर्थिक विकास इस तरह एक ऐसी प्रक्रिया जिसे सफल बनाने हैं तो हर पिछड़ा देश आज कोशिश कर रहा है। जैसा कि हमने कहा कि आर्थिक विकास का संबंध मुख्यतया विकासशील देशों से, क्योंकि वहां पे अभी भी लोगों का रहन सहन का स्तर जो होता है वो निम्न होता है, बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के कारण, या नौकरियों की उपलब्धता न कारण बेरोजगारी की स्थिति में इधर उधर सामाजिक कुरीतियों को जन्म देते हैं, तो हम इसको विकास नहीं कहेंगे। आर्थिक विकास के मुद्दे हम यहाँ ये देखेंगे कि किन मुद्दों ऐसी कौन सी बातें हैं या जिन पे हम ध्यान देंगे तो हम आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम पहला देखते हैं कि आर्थिक विकास के मुद्दों को हम दो भागों में बांटकर चर्चा करते हैं। पहला है समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र के मुद्दे, जिसमें हम पाते हैं कि रोजगार या बेरोजगारी, यदि किसी देश में इस तरह का विकास हो रहा है कि वहां जनसंख्या को रोजगार के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो, वो पर्याप्त आजीविका का स्रोत उपलब्ध हो और कोई भी व्यक्ति बेरोजगार के रूप में न घूम रहा हो, यानी वहां बेरोजगारी का स्तर निम्न होता है और रोजगार का स्तर उच्च होता है, अधिक से अधिक जनसंख्या कार्यकारी जनसंख्या होती है जो अपने रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए पर्याप्त आय अर्जित कर लेती है। ये फिर उसके बाद आते हैं मुद्रास्फीति। हम मुद्रास्फीति से तात्पर्य है कि वस्तुओं सेवाओं का मूल्य घटना और मुद्रा का मूल्य घटना और वस्तुओं सेवाओं का मूल्य बढ़ना। तो जब जहाँ पे इसका मतलब है कि महंगाई का अधिक होना, यदि महंगाई अधिक होगी तो देश की जो गरीब वर्ग होंगे उनको कोई भी जीवन की मूलभूत जो जरूरतें हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी आय तो होगी नहीं तो वो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, जिसकी अभाव में वो जीवन यापन सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे और जिसका परिणाम यही होगा कि अल्पायु में मृत्यु या शिक्षा का पर्याप्त ज्ञान अवसर न हो पाएगा, ना ही उनकी इस तरह के आर्थिक स्थिति रहेगी कि वो पर्याप्त मात्रा में शिक्षा ले सके। तीसरा है मंदी, यदि किसी देश में लोगों की जब रोजगार ही नहीं रहेगा, उनकी उनके पास आय का कोई साधन ही नहीं रहेगा, ना उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, वो आर्थिक रूप से कमजोर रहेंगे, तो देश में जो उत्पादन होगा वस्तुओं सेवाओं का उनका पर्याप्त मांग नहीं हो पाएगा, मांग नहीं हो पाएगा तो उस वहाँ पे वो मांग के अभाव में पर्याप्त तो उसका विक्रय न हो पाने के कारण वो उद्योग बंदी की स्थिति में हो जाएंगे, क्योंकि उनको कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तो वहां पे मंदी की स्थिति आ जाएगी। तो किसी भी देश में विकास के लिए हमें यह भी ध्यान देना है कि मंदी ना आए। फिर आगे बढ़ते हैं तो मुद्रास्फीति जनित मंदी। मुद्रास्फीति जनित मंदी वो मंदी होती है जिसमें महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी दर भी उच्च स्तर पर होती है, तो हम उसे कहते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी या स्टैगफ्लेशन। यदि किसी देश में एक तो लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, आय का स्तर निम्न है, वो पर्याप्त मात्रा में भोजन ही नहीं उपलब्ध पा रहे हैं, तो फिर वो अन्य चीजों को कहाँ से क्रय कर, जीवन की जो अन्य आधारभूत वस्तुएं उनको कहाँ से क्रय कर पाएंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी है नहीं। तो ऐसी भी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ तो बेरोजगारी हो, दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ती हो, तो ये स्थिति भी आर्थिक विकास के लिए नहीं है, इसको भी सुधार करेंगे हम तभी आर्थिक विकास कर पाएंगे। फिर उसके बाद आर्थिक विकास जैसा मैं बता ही दिया हूं कि पहले लोगों की प्रति व्यक्ति आय, देश की सकल राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ उनको गुणात्मक विकास भी होता है, तो आर्थिक विकास के लिए इस तरह का भी विकास होना बहुत जरूरी है जिसमें लोगों को आर्थिक कल्याण पे भी ध्यान दे। प्रति व्यक्ति आय बढ़े, सकल राष्ट्रीय आय तो बढ़े ही, लेकिन उनका आर्थिक कल्याण भी बढ़े। अब हम आते हैं आर्थिक विकास के व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुद्दों पे, तो हम पाते हैं बाह्यताएं से हमारा ये आशा है कि जैसे कि हमारे कार्यों का समाज के अन्य लोगों पे, समाज के अन्य वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। यदि वो जैसे कि मान लीजिए किसी कारखाने में उत्पादन हो रहा है और उसकी चिमनी से उठने वाला धुआं वायु को प्रदूषित कर रहा है, जिसके कारण वहां आसपास के लोगों को तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, तो इसको भी हम आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। ऐसा विकास जो पोषणीय हो, जो इस तरह की बातों का ध्यान दे, या ऐसा कोई हम कारखाना खोल दिए हैं जहां पे रह रहे लोगों को मशीनें जो लगी हैं वो तेजी से आवाज कर रही हैं, अगल बगल लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं और उनके अपने दैनिक कार्य बाधित हो रहे हैं, तो इन्हीं को हम आर्थिक बाह्यताएं कहते हैं। तो ऐसा विकास भी हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसा विकास चाहिए कि यदि हम फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उससे उठने वाले धुएं या वहां के शोर से अगल बगल के वातावरण को कोई प्रभाव न पड़े, नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
तो हम कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। पर्यावरण मुद्दे, जैसा कि मैं पहले ही बता दिया हूं कि पर्यावरण आधुनिक समय में जो आर्थिक विकास का एजेंडा बनाया जाता है उसमें पर्यावरण मुद्दों को विशेषकर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग हमारे समय की इस समय बड़ी समस्या है जिसपे सारे देश मिलकर चर्चा करते हैं। तो पर्यावरण मुद्दों को भी हमें ध्यान देना है कि हम ऐसा विकास न करें जिससे पर्यावरण दूषित हो, उससे हमारा प्राकृतिक संसाधन जो है वो प्रभावित हो और जिसका प्रभाव हमारे मानवीय स्वास्थ्य पर पड़े। तो हमें पर्यावरण मुद्दों को भी दें। एकाधिकार, एकाधिकार वो होता है जिसमें किसी वस्तु या सामान का एकमात्र विक्रेता होता है, मतलब कि वो जितना मात्रा में बेचना चाहे, जिस मूल्य पर बेचना चाहे, उसका एकाधिकार होता है। उसके अलावा कोई और ना उस उद्योग में प्रवेश कर सकता है ना विक्रय करने का उसके पास अधिकार होता है। एक छत्र आधिपत्य उसका स्थापित होता है। तो ये, और वो इस तरह वो समाज का शोषण करने लगता है, जो मूल्य चाहता है वो रखता है, जितने मात्रा में चाहता है उतने मात्रा में बेच पाता है। तो ऐसा भी नहीं हो कि किसी एकाधिकार हो समाज में, एक व्यक्ति का शासन हो, ये भी आर्थिक विकास नहीं कहला जाए। आर्थिक विकास समानता पे ध्यान देता है। अब हम देखते हैं आर्थिक विकास की क्या विशेषता है। आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। पहला है जैसे कि आर्थिक विकास एक बार की प्रक्रिया नहीं है बल्कि लंबी अवधि में एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती मांग और आपूर्ति की योजना को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जाती है। जीवन को कैसे अच्छा करना है, कृषि को कैसे बेहतर बनाना है, जीवन गुणवत्ता और राष्ट्रीय आय में वृद्धि पर भी जोर दिया जाता है। दूसरा है तकनीक संबंधी परिवर्तन। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के नए और बेहतर तरीके अपनाए जाते हैं और उत्पादन में वृद्धि के लिए हमेशा नई तकनीकों पर काम किया जाता है। जैसा कि स्पष्ट है कि बहुत से कल कारखाने ऐसे हैं जहां पे पुरानी पारंपरिक मशीनें इस्तेमाल की जाती है जो कि हमारे पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है और किसी सामान को उत्पादित करने में बनाने में पर्याप्त समय भी ले रहे हैं। तो अगर वहाँ अगर आधुनिक तकनीक की मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं तो पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है और लोगों को भी कम समय में भी और ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है और ज़्यादा मात्रा में उत्पादन भी होता है। तो आर्थिक विकास हम तभी करें जब वहाँ तकनीक संबंधी आधुनिकता रहे, नई नई तकनीकों को हमेशा अपनाया जाए। फिर उसके बाद देखते हैं हम आर्थिक विकास से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में मदद करता है और यदि किसी देश के किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि आर्थिक विकास का मूल है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय में यदि वृद्धि होती है, यदि लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वो समग्र राष्ट्रीय आय को भी बढ़ाएगा। तो आर्थिक विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय का भी बढ़ना जरूरी है। आर्थिक विकास से जीवन स्तर में सुधार होता है। यदि लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो वो शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना पे भी ध्यान देंगे और अपने अगल बगल के सामाजिक वातावरण को भी सुधारेंगे और उसे स्वच्छ रखेंगे। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। हम सभी जानते हैं कि वास्तविक आय बराबर होता है, वास्तविक राष्ट्रीय आय बराबर होता है वास्तविक राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। यानी यदि किसी देश की हमें एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय जानना हो तो हम देश की जो सकल राष्ट्रीय आय है उसमें देश की जो संपूर्ण जनसंख्या है उससे भाग दे देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय पता चलता है। तो आर्थिक विकास तभी हम कहेंगे जब देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, बढ़ती हुई हो, और अगर वास्तविक प्रति आय बढ़ती होगी तो वो देश की सकल राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि करेगा और आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप वास्तविक प्रति आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार आय और धन के वितरण में समानता द्वारा गरीबी और असमानता में कमी होती है। यदि ऐसा वास्तविक प्रति आय में बढ़ोतरी होती है तो इससे क्या है कि समाज में गरीब वर्ग और अमीर वर्ग के लोगों का जो अंतराल होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो हम कहते हैं, और समाज में समानता आती है तो हम कहते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। अब आर्थिक विकास के घटक ऐसे हम ऐसे संकेतकों पे विचार करेंगे जो कि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, जिन पे ध्यान देना, जिनको बिना ध्यान दिए हम आर्थिक विकास नहीं कर सकते। तो पहला है संगठनात्मक ढांचा। जैसा हम पहले ही कह दिए, संगठनात्मक ढांचा मतलब कि हमारे जो आधारभूत जरूरतें हैं वो किस प्रकार के, जैसे क्या हमें पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में परिवहन, संचार इत्यादि की व्यवस्थाएं हैं, या कहीं भी हम औद्योगिक में नौकरी करते हैं तो वहाँ हमारे अधिकारों के प्रति संरक्षण के लिए कोई संगठन है हमारे आर्थिक हितों को या सामाजिक हितों को या पारिवारिक हितों को ध्यान देने के लिए कि हमारा कहीं किसी संगठन में शोषण तो नहीं हो रहा है, किसी फैक्ट्री में या हमारे समाज में शोषण तो नहीं होता है। इसलिए सामाजिक संगठनात्मक ढांचा जो है आर्थिक विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है।
दूसरा है व्यापार विकास। जैसा कि मैं पहले ही आर्थिक विकास में कह चुका हूँ कि आर्थिक विकास तभी कहेंगे जब किसी देश का अधिकांश जनसंख्या कृषि को छोड़ते हुए औद्योगिक क्षेत्र की ओर बढ़ेगी। तो जब औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ेगी तो लोग व्यवसाय व्यापार की ओर ध्यान देंगे। तो यदि ऐसा विकास जिसमें व्यापार पे ध्यान दिया जा रहा हो, व्यापार में वृद्धि होती दिख रही हो, तो हम कहेंगे कि आर्थिक विकास, व्यापार विकास भी आर्थिक विकास के लिए जरूरी मानदंड है। आधारभूत संरचना, ये आधारभूत संरचना पे हम बता चुके हैं कि लोगों को सड़क, परिवहन, बिजली और आदि की जो शिक्षा की आदि की जो व्यवस्था है वो भी जरूरी है आर्थिक विकास। कार्यबल, किसी देश की जनसंख्या जो है, जनसंख्या में वर्किंग पॉपुलेशन, कार्यकारी जनसंख्या कैसी है, क्या वो तकनीकी प्राप्त है, प्रशिक्षित है, कौशल है या अनपढ़ है। यदि अनपढ़ होगी तो जाहिर सी बात है वो उस तरह का उत्पादन नहीं कर पाएंगे और उनके उत्पादन का जो स्तर होगा वो भी निम्न कोटि का होगा। इसलिए किसी देश में आर्थिक विकास के लिए जो कार्यबल होना चाहिए वो प्रशिक्षित होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, उनमें कौशल युक्त, किसी भी काम को करने के लिए उनमें प्रशिक्षण होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि उस देश का कार्यबल जो है वो प्रशिक्षित है और उत्पादन या विकास करने के लिए उपयुक्त है। रोजगार, यदि लोगों को पर्याप्त मात्रा में ऐसी जनसंख्या जो कार्य करने को इच्छुक हो और उनमें कार्य करने की क्षमता हो परंतु वो कार्य न मिलने की स्थिति में इधर उधर भटक रहे हो तो हम कहेंगे कि रोजगार का अभाव है, तो देश में रोजगार के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि विकास हो रहा है। नेतृत्व, किसी भी देश को विकसित होने के लिए एक नेतृत्व की जरूरत होती है और यदि नेतृत्वकर्ता अच्छा है तो वो देश विकास करेगा और विकास करते करते एक दिन विकसित की अवस्था में पहुंच जाएगा। तो नेतृत्व का भी, हमारे सरकार का भी हमारे विकास पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उद्यमिता, उद्यमिता यानी लोगों की अपने पूंजी या जो संपत्ति को निवेश करने की, अच्छे जगह निवेश करने की, योजना अनुसार निवेश करने की, रिस्क लेने की बुद्धि होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए कि हम इस उद्योग में निवेश कर रहे हैं या इस योजना में निवेश कर रहे हैं तो हमें फायदा होगा और हम विकास करेंगे। तो उद्यमिता, लोगों की रिस्क लेने की क्षमता भी होनी चाहिए, ऐसे उद्यमी ही देश को आगे अच्छे औद्योगिक स्थिति में निवेश करके लाभ कमाकर ही देश को सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकते हैं। अब आर्थिक विकास के तत्व पे देखते हैं, तो लंबी अवधि प्रक्रिया, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि आर्थिक विकास एक लंबी अवधि प्रक्रिया है, यह एक वर्ष दो वर्ष नहीं बल्कि आपके प्रति व्यक्ति आय और सकल राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि हो, यह 10 साल, 20 साल, 40 साल तक लंबी अवधि में प्रति व्यक्ति और सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो हम कहेंगे कि देश आर्थिक विकास कर रहा है। आय वितरण में अधिक समानता, पहले ही मैंने कह दिया कि यदि आपका देश सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होती है, वो देश में आर्थिक असमानता को कम करेगी और लोगों में धीरे धीरे लोग विकसित होंगे और लोगों के साथ साथ राष्ट्र भी विकसित होगा। उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि भी आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण तत्व है, यदि उत्पादकता में वृद्धि होती रहेगी तभी अधिक उत्पादन होगा और लोग निवेश करने को प्रोत्साहित होंगे और हम उत्पादन को अन्य देशों में, अपने देश की जरूरतों को पूरा करते हुए अन्य देशों में निर्यात करके लाभ कमा सकेंगे और वो सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि करेगा और देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा। वास्तविक प्रति, इसमें भी वास्तविक प्रति आय बढ़ेगी तो भी देश आर्थिक विकास और समानता की ओर बढ़ेगा। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व, हम ये आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों का अध्ययन हम आर्थिक कारक और गैर आर्थिक कारक के रूप में करते हैं। पहले हम विचार करते हैं आर्थिक कारक पे। प्राकृतिक संसाधन, किसी देश के पास जितना ही प्राकृतिक संसाधन होगा वो उन संसाधनों का अपने आवश्यकता अनुसार दोहन करके, उनसे उत्पादन प्राप्त करके, उनको निर्यात करके और अपने देश की जरूरतों को पूरा करके पर्याप्त मात्रा में पूंजी प्राप्त कर सकता है और आर्थिक विकास कर सकता है। पूंजी संचय, पूंजी संचय जैसा कि पता चलता है, स्पष्ट होता है कि यदि लोगों की आय बढ़ेगी तो वो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के बाद जो बचत होगी उसको पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करेंगे और कहीं ना कहीं निवेश करेंगे। यदि उनकी बचत नहीं होगी तो वो निवेश नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पूंजी संचय भी, बचत होना बहुत जरूरी है, तभी वो निवेश करेंगे और देश आर्थिक विकास करेगा। मानवीय संसाधन, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मानवीय संसाधन, प्रशिक्षित मानवीय संसाधन रहेगी तो भी औद्योगिक विकास होगा और आर्थिक विकास होगा। बाजार का संकट, यदि लोगों को यह संकट रहेगा कि इतनी मात्रा में मैं उत्पादित कर लूंगा तो इसके लिए पर्याप्त लोग न खरीदने के लिए होंगे, हमारा सामान बेकार रहेगा, पड़ा रह जाएगा और धीरे धीरे वो अनुपयुक्त होता जाएगा,
तो भी ऐसी अगर आशंकाएं बनी रहेंगी तो भी कोई भी इंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमी निवेश नहीं करना चाहेगा और ना ही वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करना चाहेगा। तो अगर यदि देश में बाजार संकट भी नहीं, बाजार स्थायित्व तो है, तो उद्यमी प्रोत्साहित होगा और उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो उनका निर्यात होगा और लोगों द्वारा मांग होगी तो जाके आर्थिक विकास होगा और पूंजी संचय होगा। भौतिक पूंजी संसाधन, तकनीकी प्रगति और नवाचार, देश में जैसे नई नई आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाई जाएगी, नवाचार बढ़ाया जाएगा तो वो उत्पादन बढ़ाएगा, उत्पादन बढ़ाएगा तो आर्थिक विकास होगा। पूंजी निर्माण, यदि लोगों की बचतें अधिक होगी तो जितनी बचतें अधिक होगी उतनी अधिक पूंजी निर्माण होगा, उतनी अधिक पूंजी निर्माण को लोग इन्वेस्ट करेंगे और आर्थिक विकास होगा। अब गैर आर्थिक कारक में देखते हैं धार्मिक दृष्टिकोण या निर्धारण। आर्थिक विकास को हमारे समाज की सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज भी बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। यदि समाज में रूढ़िवादिता है, लोग पूजा पाठ इन सब चीज़ों में या अन्य जो सामाजिक कुरीतियों में ज़्यादा ध्यान देंगे तो भी वो विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। भ्रष्टाचार में के मुक्ति, भ्रष्टाचार, यदि देश में अधिक भ्रष्टाचार होगा, जो भी पैसा आएगा वो लोग भ्रष्टाचार के रूप में दबा के रख लेंगे तो भी वो इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा और देश इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा तो फिर लाभ नहीं हो पाएगा और लाभ नहीं होगा तो आर्थिक विकास नहीं होगा। विकास की इच्छा या आकांक्षा, हम तभी विकास कर पाएंगे जब हमारे अंदर इच्छा शक्ति होगी कि नहीं हम इस चीज को में वृद्धि करना चाहते हैं, हम यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जब हमारी इच्छा शक्ति ही नहीं होगी तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। सामाजिक परिवर्तन, समाज में जो अच्छी अच्छी आदतें हैं उसको एक्सेप्ट करना बहुत करना समाज के आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी। यदि हम अपने कुरीतियों को, रूढ़िवादिता को नहीं छोड़ेंगे तो आधुनिक और नवाचार, नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे, सामाजिक परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक वातावरण, सरकार द्वारा लिए गए निर्णय भी हमारे इन्वेस्टमेंट को, निवेश को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। यदि सरकार हमें बाध्यकारी रूल्स अधिक लगा देती है तो हम इन्वेस्ट करने से संकोच करेंगे और आर्थिक विकास नहीं होगा। जलवायु में अनियमित परिवर्तन, यदि कोई फैक्ट्री हमें ऐसे जगह लगाना चाह रहे हैं और हमें वहाँ जमीन उपलब्ध हो गई हो लेकिन हमें डर है कि वहाँ बरसात आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा, तो जलवायु भी हमारे आर्थिक विकास को बहुत प्रभावित करती है। आर्थिक विकास का महत्व, आर्थिक विकास किसी भी अर्थों का विकास में महत्वपूर्ण घटता है, जिसमें उच्च वेतन वाली नौकरी प्रदान करने, जीवन के बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने आदि को सुविधाजनक बनाने के लिए विकास को प्रेरित करना आदि निम्न शीर्षकों के अंदर समता जाता है। रोजगार सृजन यह अवसरों के लिए नए नए मार्ग सृजन करता है और नए अवसरों को बाजार से जोड़ता है और संसाधनों के साथ उनका विस्तार करता है। यदि रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध होंगे तो वहाँ के जो कार्यकारी जनसंख्या है वो प्रोत्साहित होगी और रोजगार में जुड़ के अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन करेगी, प्रति व्यक्ति आय और सकल राष्ट्रीय आय बढ़ाएगी। औद्योगिक विविधीकरण, विभिन्न उद्योगों में यदि नई नई टेक्नोलॉजी अपनाते हुए परिवर्तन होता रहता है तो भी जो कार्यकारी जनसंख्या वो प्रोत्साहित होती है और उत्पादन में पूर्ण विश्वास के साथ भाग लेती है। संतुलित आर्थिक विकास, यह कृषि और उद्योग उत्तम गहन और पूंजी गहन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संतुलन में सामंजस्य स्थापित करता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आर्थिक विकास से दक्षता बढ़ाता है, साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय को वेतन के माध्यम से प्रति व्यक्ति का स्तर और जिसका परिणाम संपूर्ण राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास से लोगों के बीच धन और आय के संसाधनों का समान वितरण होता है जो सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। अब आर्थिक विकास के मापन पे आते हैं, तो आर्थिक विकास के मापन के लिए अनेक संस्थागत व व्यक्तिगत प्रयास किए गए हैं, जिनमें है जैसे मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक और उसके बाद है मानव, जिसमें हम मानव विकास सूचकांक में ही अब लिंग आधारित मानव विकास सूचकांक को भी शामिल कर लिया गया है, मानव निर्धनता सूचकांक को भी शामिल कर लिया गया है। मानव निर्धनता सूचकांक में जैसे जनसंख्या का उपयोग जो खराब जीवन स्तर के कारण अल्पायु में मर जाता है, 40 से कम में मर जाता है, दूसरा शामिल किया प्रौढ़ साक्षरता दर को, तीसरा जनसंख्या का वह प्रतिशत जो बुनियादी आवश्यकता को पूर्ति करने में असमर्थ है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और शिशु मृत्यु दर को तीन संकेतकों को लेते हुए जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक बनाया जाता है। आर्थिक विकास के मापन के लिए 1990 से विभिन्न देशों की आर्थिक विकास संबंधित एक सापेक्षिक स्थिति प्रदर्शित करने वाली एक रिपोर्ट जारी कर रहा है, जिसे मानव विकास रिपोर्ट करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। इसके विकास में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूल हक व उनके अन्य सहयोगी मुख्यतः एके सेन और सिंगर हर्ष का महत्वपूर्ण योगदान है। यह निम्न तीन चरों पर निर्भर करता है। पहला जीवन प्रत्याशा,
इसके आधार पर हमें जीवन प्रत्याशा सूचकांक प्राप्त होता है, जिसके आधार पर दीर्घायुता का अनुमान व लोगों के खान पान एवं रहन सहन का स्तर पता चलता है। शैक्षणिक उपलब्धि, इसे प्रौढ़ साक्षरता दर 2/3 भार के साथ प्राइमरी सेकेंडरी तथा टेंसरी स्कूल नामांकन भार के अनुपात को जोड़कर प्राप्त करते हैं। इसके आधार पर शैक्षणिक उपलब्धि सूचकांक प्राप्त होगा, जिसे देश की सामाजिक स्थिति स्पष्ट होगी। तीसरा है जीवन निर्वाह सूचकांक, इसे प्रति व्यक्ति या डॉलर में व्यक्त करते हैं। इसके आधार पर समायोजित GDP प्रति व्यक्ति सूचकांक ज्ञात करते हैं, इससे प्रति व्यक्ति आर्थिक स्थिति का पता चलता है। तीनों चरों को मिलकर मानव विकास सूचकांक का निर्माण करते हैं। SDI तैयार करने हेतु निम्नांकित मापदंड अपनाए गए हैं। SDI जब मानव विकास सूचकांक की गणना हम करते हैं तो उसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। SDI वैल्यू होता है एक्चुअल वैल्यू, यानी कि वास्तविक मान जो है, माइनस मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मूल्य जो है उसमें हम मैक्सिमम यानी अधिकतम मान और न्यूनतम मान से भाग दे देते हैं, तो हमें जो SDI मूल्य प्राप्त होता है। SDI का मान अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होता है और SDI का न्यूनतम मूल्य 0 होता है। SDI तैयार करने के लिए ये मानदंड अपनाए जाते हैं। पहला जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा में जो न्यूनतम मूल्य होता है 25 वर्ष, अधिकतम 85 वर्ष। दूसरा है जो संकेतक और साक्षरता है, जिसमें साक्षरता को 2 संकेतक लेते हैं। एक होता है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, यानी कि स्कूल में हम ये कितने समय तक हम इनकी शिक्षा जारी रहेगी, हम ये अपेक्षित वर्ष में ये ध्यान देते हैं कि ये कितने संभावित कितने समय तक स्कूल या पढ़ाई या शिक्षा ग्रहण करेंगे। और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, यानी इन्होंने ये इसमें ये देखते हैं कि इन्होंने स्कूली शिक्षा में कितना समय दिया है। प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम $100 में और अधिकतम $40 में, ये तीनों संकेत मिलकर मानव विकास सूचकांक के मूल्य के आधार पर हम विश्व के देशों को 3 भागों में बांटते हैं। वे देश जिनके संबंध में SDI का मूल्य 0 से 0.5 के मध्य है निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश कहलाते हैं। वे देश जिनके संबंध में SDI का मूल्य 0.5 से 0.78 के मध्य है मध्यम मानव विकास वाले देश कहलाते हैं। वे देश जिनके संबंध में SDI मूल्य 0.78 से इतना है वो उच्च मानव विकास वाले देश करते हैं। वे देश जिनके संबंध में SDI मूल्य इतना है वो अत्यधिक उच्च मानव वाले विकास वाले देश कहलाते हैं। भारत का मानव विकास सूचकांक, वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 जारी किया गया, जिसका शीर्षक था ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक री इमेजिनिंग को ऑपरेशन इन ए पोलराइज वर्ल्ड। इस रिपोर्ट में 193 देशों की सर्वे में शामिल किया गया। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 134 है 23-24 में और कुल SDI 0.644 है। पिछली बार भारत की रैंकिंग 135 थी। भारत में जीवन प्रत्याशा 67.7 वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 12.6 वर्ष, स्कूली शिक्षा औसत वर्ष 6.75 वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल आय 5.75 लाख है। विश्व में पहले रैंक पर स्विट्जरलैंड है, जो कि 0.967 SDI मान के साथ पहले स्थान पर है। थैंक यू।